स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं पढ़ाऊंगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसी फॉर्मेट को मैं आगे ला रहा हूं। यहां पे इसमें समझाऊंगा और यहां पे कैलकुलेट करूंगा मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट वही, हेड जो होता है हमारा वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। एक बार हेड लिख दिया फिर उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ लो। उसके नीचे ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बस वीडियो एक सेपरेट बना रहा हूं इसके लिए बस सिर्फ। तो इसमें स्टार्ट करता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं जो मेरा आया था यहां पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश मिला था मैंने यहां पे भी लिख दिया और इसको मैं इधर भी लिख देता हूं मेन अमाउंट भी। ये हमें मिला था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश, हमने कैलकुलेट किया था। अब उसके बाद सेकंड एक्टिविटी होती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है? ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सिंपली आपकी वो एक्टिविटीज होती है एसेट्स परचेज करना या उन्हें सोल्ड करना, या फिर इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया आपने या उनको सोल्ड कर दिए, या इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिबेंचर वगैरह में कर रखा है, किसी को लोन देके कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स में कर रखा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब भी देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो हिस्सा, इन्वेस्टिंग का हिस्सा क्या है हमारा, जो हमारी मशीनरी है, फिक्स एसेट्स है, जो भी है हमारी टेंजिबल इनटेंजिबल, उनको परचेज करना या सोल्ड करना, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट परचेज करना, सोल्ड करना, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इनके रिवर्ड में, इनके रिवर्स में जो हमें मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भी हमारी इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा होते हैं। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग का हिस्सा होती है? ओके, जैसे कि हमें हमें मिल जाए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेच क्या बेची हमने, अब कैश हम पे आएगा तो कैश क्या करेंगे हम, प्लस, क्योंकि कैश हम पे आया है। उसके बाद अगर हमें प्रोसीड मिल जाए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं तो कैश हमारे पास आएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये, इन्वेस्टमेंट कौन से होने चाहिए? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होते हैं, कैश इक्विवेलेंट में काउंट करते हैं हम इसे। तो इन्वेस्टमेंट कौन सा होनी चाहिए अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो हमने सोल्ड करे हैं, और उनसे जो कैश मिलेगा हमारे कैश इनफ्लो होगा तो कैश आएगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। उसके बाद अगर हमने प्रोसीड हो गया, हमें प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ टेंजिबल, इसको मैं लिखूंगा इनटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। कभी कभी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट भी सोल्ड कर देता है तो उनसे जो कैश मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा होगा। यहां फिक्स एसेट्स से मतलब आप ये आपका टेंजिबल एसेट समझ लेना, और ये इंटेंजिबल मैंने अलग लिख दिया। कभी आप फिक्स एसेट समझो सिर्फ मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसलिए मैंने स्पेशल ये भी लिख दिया इंटेंजिबल एसेट्स। आपने सोल्ड किया है तो अगर उनसे कैश मिला आपको तो वो भी आपका प्लस में ही जाएगा, इन्वेस्टिंग का हिस्सा होएगा आपका।
अब इसमें टेंजिबल एसेट्स आप जानते हैं कौन कौन सी होती है, इनटेंजिबल एसेट्स आपकी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट होते हैं। उसके बाद अगर आपको जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया कहीं, लाइक इन्वेस्टमेंट परचेज किया आपने, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो वो आपसे कैश जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया हमने तो हमसे कैश जाएगा, परचेज किया क्योंकि कैश जाएगा तो कैश लिखेंगे यहां पे माइनस में। उसके बाद अगर हमने परचेज किया, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स तो इसमें भी आपका कैश जाएगा क्योंकि आपने एसेट्स परचेज की है। टेंजिबल, टेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको मैंने इसके इनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है आपकी फिक्स एसेट्स के लिए, एसेट्स के लिए। उसके बाद अगर हम ये परचेज कर लेता है, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, अगर इनटेंजिबल एसेट्स परचेज कर ली तो उसमें भी आपका कैश जाएगा, तो ये भी आपका माइनस में आएगा। ओके, ये तो होगा सोल्ड सेल्स एंड परचेज करने के लिए। अब जो को हमने इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर हमने शेयर्स में कर रखा या किसी को हमने इन्वेस्टमेंट क्या करा, लोन दे दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट पर उस पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट हम भी हमारा इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा होएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, या फिर हमने लोन दे रखा है या किसी को डिबेंचर, इसको लोन की जगह आपका भी कंफ्यूज हो जाओ, मैं लिख देता हूं ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सिंपली, या फिर इन्वेस्टमेंट अगर आपने डिबेंचर पे कर रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट आप किसी में भी कर सकते हो, डिबेंचर में, या लोन दे रखा है किसी को, या डिबेंचर में कर रखा है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इंटरेस्ट मिलना आपको अब कैश आएगा, आपका प्लस होएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसमें, शेयर्स में, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स में तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड, तो आपके पास कैश आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला तो कैश आपको मिलेगा। और आपका रेंट रिसीव्ड, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करवाया था, उसको यहां पे ऐड करेंगे हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हमें किस पे, हमने कोई मशीनरी, प्लांट, प्लांट या मशीनरी या लैंड या बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे दी, उसके बदले में जो हमें रेंट मिला वो हमारा यहां पे जाएगा, क्योंकि हमें रेंट किसकी वजह से मिला, एसेट्स की वजह से, और एसेट्स क्या है, इन्वेस्टिंग का हिस्सा, तो इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे हम उसे, इसलिए मैंने उसको ऑपरेटिंग में माइनस किया था वहां पे, क्योंकि हमने प्रॉफिट में ऐड कर लिया था तो उसको हमने वापस माइनस किया था और यहां पर हम उसको ऐड करेंगे। तो ये है हमारे इन्वेस्टिंग के सभी हिस्से। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या, हमें मिल गया इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम मिला हमें ऑन मशीनरी या कोई और एसेट्स अगेंस्ट फायर, हमारी मशीनरी वगैरह जल गई, हमने इंश्योरेंस करा रहा था, वो उसमें आग लग गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, उसके बदले में हमें क्लेम मिला। अब देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो क्या, हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला किसकी वजह से, एसेट्स की वजह से, मशीनरी की वजह से, और मशीनरी किसका हिस्सा है, इन्वेस्टिंग का, तो ये भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है तो यहां पे हम ऐड कर देंगे। ये इंश्योरेंस क्लेम अगर स्टॉक पे मिलता, हमें स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो जाता फायर से, तो वो हमने ऑपरेटिंग में ऐड किया था, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया था स्टॉक पे। अगर मशीनरी पे इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको उस जलने की वजह से मशीनरी को, तो वो इन्वेस्टिंग का हिस्सा होगा। मतलब सिंपल समझिए, कोई भी चीज
कोई भी आइटम आपको मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंट या कोई भी ट्रांजेक्शन आपको कमीशन मिल जाए या आपको रेंट मिल जाए या आपको डिविडेंड मिल जाए, आपको कमीशन मिल जाए, ये जो भी मिले जिसकी वजह से मिला है उसको देखते हैं वो किसका हिस्सा है। हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला मशीनरी पे, मशीनरी किसका हिस्सा है आपका इन्वेस्टिंग का, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम मिला हमें किस पे, स्टॉक की वजह से, स्टॉक जल गया हमारा, तो वो किसका स्टॉक किसका हिस्सा है हमारा ऑपरेटिंग का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये है हमारा इन्वेस्टिंग का हिस्सा। तो यहां पे हमारा दो तरीके से कैश आ सकता है, एक तो प्लस में आ जाए कैश आपका, या फिर और आपका माइनस में आ जाए। अगर प्लस में आया है तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर हमारा कैश आया है नेगेटिव में तो इसको लिखेंगे हम कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये हमारा मेन बैलेंस आ जाएगा इधर। अगर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, जैसे भी आपका बैलेंस आया है। तो ये हमारा प्लस माइनस का अमाउंट था, और ये हमने कर लिया किसको, इधर मेन अमाउंट, ये हमारे सब मेन अमाउंट, जैसे कि मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट किया था, मैंने यहां पे प्लस का ही लिखा है। मैं चलो और करके लिख देता हूं, अगर माइनस में भी हो, वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी 99% आपका प्लस में ही आती है, ऑपरेट इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी जा सकती है, 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि नेगेटिव में जाए या प्लस में आए, तो इसमें प्लस या माइनस में आए उसको यहां पे लिखेंगे। ये हमारी मैंने, ये ऑपरेटिंग का कैश फ्लो है, ये हमारा इन्वेस्टिंग का। इसके बाद हमारी थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मतलब लोन वगैरह जो हमने उधार पे पैसा लिया है लोगों से या शेयर्स होल्डरों से पैसा लिया है, वो जो लिया हमें उसको फाइनेंस करना कहते हैं, यानी कि हम पैसा जुटा रहे हैं दूसरे लोगों से उधार ले लेके, तो वो सब का ट्रीटमेंट यहां पे होगा, और उनके रिवॉर्ड में जो हम देते हैं या हमें मिलता है वो भी आपका यहीं पे फाइनेंशियल में ही जाएगा। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल एक्टिविटी इश्यूड ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, आपने न्यू शेयर कैपिटल इश्यूड करी है तो कैश मिलेगा, शेयर कैपिटल इश्यू करी आपने तो आपको कैश मिलेगा, तो कैश लिखा जाएगा यहां पे प्लस में, तो कैश लिखा जाएगा आपका यहां प्लस में, प्लस में लिखा जाएगा, या आपने इश्यू कर दिए इश्यूड ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू कर दिया आपने, यानी कि डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रहे हो आप, वो इश्यू कर दिया आपने, तो इश्यू करें तो कैश आएगा हमारे पास, आएगा तो प्लस में लिखेंगे। शेयर से मतलब यहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों से है मेरा। उसके बाद अगर आपने बैंक लोन ले लिया, आपने इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीज होने का मतलब क्या, हमने लोन लिया होगा, बैंक लोन लिया होगा, तो वो भी आपका प्लस में, कैश आया होगा हमारे पास। उसके बाद अगर हमने, अब इसके बाद आता है, हमने देखो शेयर्स इशू करे, सही है जी, शेयर इशू करे हमने, किसके इशू करे, लेकिन शेयर्स कभी कभी हम किस पर कर देते हैं, प्रीमियम पे इशू कर देते हैं, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा, तो यानी कि हम जितनी फेस वैल्यू शेयर्स की उससे ज्यादा पे कर देते हैं हम, तो वो यही पाएगा,
तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड होएगा हमें, प्रीमियम ऑन शेयर्स इश्यूड, तो हमें पैसे उसमें उस केस में भी कैश मिलेगा ही, बस कैश मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। ओके, अब उसके बाद आती है इनको रिटर्न में देने की। भाई इनसे पैसा लिया है तो इनको देना भी तो होगा, इन्होंने जो हमें पैसा दिया है कोई ऐसा तो दिया नहीं होगा लो जी तुम हमारे चाचा के लड़के बुआ के लड़के हो लो जी ले लो हमसे, नहीं उन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने कि भाई इसके रिवॉर्ड में हमें कुछ मिले। डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने किया है तो वो चाहते हैं हमें इंटरेस्ट मिले, शेयर्स के वजह से हमें पैसा दिया शेयर्स में उन्होंने हमें, तो उन्होंने वो चाहते हैं हमें डिविडेंड मिले, तो ये सब हम रिटर्न में देंगे। अगर हम डिविडेंड पे करें, डिविडेंड पेड करें तो हमसे कैश जाएगा। डिविडेंड कौन सा है? दोनों, परपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, जो मैंने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें मैंने दिखाया था आपको परपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है जो ईयर के फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही हम पे कर देते हैं ड्यूरिंग द ईयर पे, और परपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड हम लास्ट के ईयर के लास्ट में ही पे जाकर करते हैं। तो डिविडेंड हमने पे करा, दोनों मतलब है। हमने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या फिर लोन वगैरह पर, ये इंटरेस्ट पेड करना मैंने वहां पर वापस ऐड करवाया था इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग हिस्सा था वहां पे, क्यों ये फाइनेंशियल का हिस्सा है, तो यहां पे ऐड करेंगे। यहां पे क्या करेंगे हम? माइनस, सॉरी, ये डिविडेंड पे करना भी हमसे कैश जाएगा। सॉरी, डिविडेंड पे किया तो कैश जाएगा, और इंटरेस्ट पे किया हमने डिबेंचर पे, ये भी कैश हमारा हमसे जाएगा, तो माइनस में लिखेंगे। वहां पे मैंने वापस उसको ऐड करवाया था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इंटरेस्ट तो माइनस कर देते हैं। अब ये हमने प्रॉफिट में वापस ऐड करा था हमने, क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, क्योंकि ये फाइनेंशियल का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम ये तो हमने शेयर्स पे डिविडेंड पे कर दिया, डिबेंचर पे हमने और लोन पे हमने क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया। उसके बाद अगर वो पैसा दोबारा मांगने लग जाए, अगर उनको हम वापस पैसा दें, वो भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा ही होएगा। मतलब हमने क्या करा? रिडेम्पशन कर दिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर तो कैश जाएगा। प्रिफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना, रिडेम्पशन मतलब उनका पेमेंट वापस देना। एक बात याद रखना, सिर्फ प्रिफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं, हम इक्विटी को नहीं करते हैं। तो प्रिफरेंस शेयर का रिडीम करा हमने, यानी कि उनका पैसा वापस दिया, तो कैश गया हमसे, नेगेटिव में जाएगा। उसके बाद अगर हमने रिडीम कर दिया, रिडीम ऑफ डिबेंचर, अगर हमने डिबेंचर रिडीम कर दिया तो उसमें भी कैश जाएगा हमसे। रिडीम का मतलब हमने उनको कैश दिया। और अगर हमने रिपेमेंट कर दिया लोन का, रिपेमेंट ऑफ लोन, तो इसमें भी आपका कैश जाएगा, इनमें भी आपका कैश जाएगा। उसके बाद मैं यहां से नहीं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इधर से। यहां से स्टार्ट करता हूं, तो रिडेम्पशन रिपेमेंट ऑफ लोन करना भी आपके आपसे कैश जाएगा। अगर आपने बायबैक कर लिया शेयर का, तो अगर आपने बायबैक किया, बाय बैक ऑफ शेयर्स, अब बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? क्या होता है? कंपनी उनका रिपेमेंट ना करके कंपनी मार्केट में जाती है और कहती है अपने शेयर्स खुद खरीदती है लोगों से, जिन लोगों को शेयर्स कंपनी ने बेचा उन लोगों से वापस शेयर खरीदती है, इसको कहते हैं हम बाय बैक शेयर। अब बाय बैक शेयर कर रहे हैं हम, तो हमसे कैश जाएगा, क्योंकि उन्हें पेमेंट देंगे तो कैश जाएगा। तो ये थे आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी के सारे, जितनी भी एक्टिविटीज फाइनेंशियल में होती है आपकी। अब इसमें हम देखते हैं हमारा कैश प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर कैश प्लस में आ रहा है या तो इसे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
अगर वो नेगेटिव में आ जाए, अगर नेगेटिव आ जाए तो इसे कहेंगे हम कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जो भी होएगा वो इधर लिखेंगे, अगर माइनस में तो माइनस में इधर लिखेंगे, और अगर यह प्लस में है तो प्लस में इधर लिखेंगे। सही जी। अब देखो हमारी तीनों एक्टिविटीज हमने कैश फाइनल कर लिया, ऑपरेटिंग से कैलकुलेट हो गया, हमारा इन्वेस्टिंग से हो गया, फाइनेंशियल से हो गया। अब इन सब तीनों का टोटल करेंगे। अब इन मेन अमाउंट जो ये तो हमने अलग अलग कैलकुलेट किया, अब इन मेन कॉलम का हम टोटल करेंगे। तो यहां पे मैं इन तीनों का टोटल करता हूं। अब इन ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग का ये भी आपका या तो प्लस में आएगा या फिर आपका माइनस में आ सकता है। तुम प्लस में आया तो इसको हम लिखेंगे नेट, अगर प्लस में आता है तो इसको हम लिखेंगे नेट कैश, नेट कैश इंक्रीज, सॉरी इसको आप हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं ये। उसके बाद अगर नेगेटिव में है तो हम इसे लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपका यहां पे हो जाएगा। अब ये इंक्रीज या तो इंक्रीज होएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर डिक्रीज होएगा, इन तीनों का प्लस करने के बाद। ये ऑपरेटिंग का ऐड करेंगे, आपका इसका ऐड करेंगे एंड आपका फाइनेंशियल का ऐड करेंगे, मतलब कि इसको हम लिखेंगे आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपका प्लस होएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ब्रैकेट बंद। ऐसे ही यहां पे अगर ये नेगेटिव में इसमें दिखाएंगे वन प्लस सेकेंड प्लस आपका थर्ड, थर्ड एक्टिविटी ये है आपकी एंड सेकेंड ये है और फर्स्ट आपकी ऑपरेटिंग थी। अब ये हो गया, अब ये प्लस में आई या माइनस में, उसके बाद हम करते हैं इसमें ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा बिगिनिंग में था वो यहां पे लिख देंगे। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में कौन कौन सा था मैंने बताया था आपको, वही मैं एक बार लिख देता हूं। इसमें आपका आपका कैश आएगा एक तो, प्लस बैंक बैलेंस प्लस आपका इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मैंने आपको पहले भी बताया था इनके बारे में, इन तीनों का टोटल आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको प्लस करोगे, जैसे ही प्लस करोगे इसको और इसको, ये आपका इसको सपोज करो नाम दे देते हैं हम, इसको फोर्थ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम फोर्थ, और ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ, और यहां पे आपकी जैसी आप फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट ईयर एंडेड, जो ईयर की एंड में होएगा वो बैलेंस आ जाएगा आपका। इसमें भी आपका वही होएगा, आप मैच कर सकते हो, दोनों बैलेंस आपको गिवन होते हैं, आपका कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस
प्लस आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी में शॉर्ट में लिख रहा हूं एमएस, प्लस आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एसटीडी, यानी कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, सॉरी मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये बैलेंस आपका मैच कर जाएगा और ये हो जाएगा आपका फुल फेज एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैं हटा देता हूं, ज्यादा लंबा फॉर्मेट मत खींचना, ये ज्यादा लंबा खींच गया। तो ये आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ये कैश आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये बिगिनिंग में आपको दोनों बैलेंस गिवन होंगे। ये बिगिनिंग वाला जब ऐड कर दोगे आप तीनों में, एक्टिविटी में ऐड हुआ है तो यहां पे आप इसको ऐसे लिखोगे आपका फोर्थ एक्टिविटी प्लस फिफ्थ एक्टिविटी का टोटल आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, दोनों बैलेंस गिवन होते हैं। तो ये आपका है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया। ओके, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।